साथियों, हरदोई के लोग ये बात जानते हैं, अत्याचार, आतंक और छल कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, सच्चाई के आगे वो टिक नहीं सकते। आप याद करिए, 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था, व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी छिनेती लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे दिया बरे घर लौट आओ, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौट आओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था, लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे, लेकिन आपको केवल एक ही बात याद रखनी है, एक ही मंत्र, यूपी का विकास विकास विकास, देश का विकास विकास विकास। ये वो लोग हैं जो कुर्सी के लिए अपने परिवार से भी सबसे लड़ जाते हैं, इसलिए ये घोर परिवारवादी किसी जाति या समाज के लिए भी नहीं हो सकते। मैं कल ये सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था और मेरा मन करता है वो मैं आज बात बताऊं, मैंने क्या देखा बताऊं ना, बताऊं ना। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने, खास करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों के सामने, ये बात मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस वीडियो जो मेरे पास पहुंचा उसमें एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला, और मैं देख करके कह सकता हूं शायद उस मां को कभी स्कूल में जाकर के पढ़ाई करने का बहुत सौभाग्य नहीं मिला होगा, ऐसी एक गरीब बुजुर्ग मां एक ऐसे ही आजकल जाते हैं ना टीवी, हमारे ऐसे मित्र सारे, तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए,
वो गरीब मां को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया। उसने ऐसे ही उनको जरा टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना शुरू किया। उस गरीब महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है, और मजा ये है कि उस मां ने सही तारीख बताई कि फलानी तारीख को हमारे यहां चुनाव है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया मां ने, ताकि वो आकर के सर खाए नहीं, नया सवाल पूछे नहीं, उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। एक गरीब बुजुर्ग अनपढ़ मां उस बुजुर्ग महिला से फिर पूछा, किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक खाया है। वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके बुजुर्ग पति भी बैठे थे, उन्होंने भी उस मां ने जो कहा उनके पति देव ने भी उसको समर्थन दिया, हां में हां मिलाई। फिर उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है। साथियों, इस गरीब बुजुर्ग मां ने उत्तर दिया, ये उत्तर मैं कभी भूल नहीं सकता। उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। फिर दोबारा कहा मां ने, मोदी राशन दो हमें। भाई और बहनों, फिर बाद में उस महिला ने बताया, उस मां ने बताया कि कितना राशन उनके परिवार को मुफ्त मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो बूढ़ी मां जो कभी मुझे मिली नहीं है, वो मां इतना मुझे आशीर्वाद दे रही है। जब इतनी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दे रही हो, तो भाइयों बहनों, मुझे काम करने का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा का काम करूंगा कि नहीं करूंगा? हर नागरिक के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? माताओं बहनों के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? नौजवान के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा? आप जब इतने आशीर्वाद देते हो, तो जिंदगी किस काम की मेरे भाइयों बहनों, ये आपके लिए है। आपका ये प्यार, ये आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, दोस्तों आपका प्यार सर आंखों पर। दिल्ली के सत्ता के जिन गलियारों में ज्यादातर समय अमीरों और परिवारवादियों का कब्जा रहा, वहां आज आप सबने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा के लिए बिठाया है।
साथियों, दिल्ली में बैठ करके आपके इस प्यार की ताकत को मैं भी नहीं समझ सकता। इतना प्यार, इतना प्यार। शायद दोस्तों, आज के युग में इतने टीवी मीडिया का जमाना हो, भांति भांति की बातें चलती हो, उसके बाद भी जनता जनार्दन जब इतना आशीर्वाद देती है तो भगवान के आशीर्वाद के बराबर होता है। मैं जानता हूं कि महामारी के समय में मुफ्त राशन की योजना ने गरीबों की कितनी बड़ी सेवा की है। यूपी के गांव गांव में इस तरह की चर्चा के मुझे कई संदेश मिले हैं, जहां लोग यही कह रहे हैं कि हमने मोदी का नमक खाया है, हम मोदी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन साथियों, मैं ये भी कहूंगा, हम सबने, मेरी ये बात ज्यादा याद रखिएगा, हम सबने मां भारती का नमक खाया है, हिंदुस्तान का नमक खाया है। हम